दोस्तों, टैक्सेशन सीरीज की पिछली वीडियो में हमने बात की थी पीजीबीपी हेड के बारे में। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे कैपिटल गेन हेड की, जिसमें हम बात करेंगे कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल गेन कितने टाइप का होता है, कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैपिटल गेन में कौन कौन सी एग्जम्पशंस क्लेम कर सकते हैं, कैपिटल गेन पर कितना टैक्स लगता है, शेयर्स पर कैपिटल गेन टैक्स कैसे चार्ज होता है, एंड लास्ट में एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। पहले हम समझते हैं कि कैपिटल गेन क्या होता है। कैपिटल गेन मीन्स कोई प्रॉफिट या गेन जो कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से होता है। कैपिटल एसेट मतलब किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो या नहीं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी, बिल्डिंग एंड लैंड, मशीनरी, लीज होल्ड राइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, व्हीकल्स, ज्वेलरी एटसेट्रा। बट कैपिटल एसेट्स में कुछ एसेट्स नहीं आती, मतलब एक्सक्लूड होती हैं, जैसे स्टॉक इन ट्रेड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे कि टीवी, कार, मोबाइल एटसेट्रा। तो किसी कैपिटल एसेट की सेल से जो प्रॉफिट रिसीव होता है उसे कैपिटल गेन कहा जाता है, और जो प्रॉफिट रिसीव होता है उस पर कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। अब बात करते हैं कैपिटल एसेट कितने टाइप की होती है। कैपिटल एसेट दो टाइप की होती हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स कब लॉन्ग टर्म होती हैं और कब शॉर्ट टर्म होती हैं, उसके लिए एसेट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ए, सिक्योरिटीज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, बी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, सी जीरो कूपन बॉन्ड। अगर ये एक साल से कम हेल्ड किए हुए हों तो शॉर्ट टर्म एसेट्स, और अगर एक साल से ज़्यादा तक हेल्ड किए हुए हों तो लॉन्ग टर्म कहते हैं। सेकेंड ए, अनलिस्टेड शेयर्स, बी इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर ये दो साल तक हेल्ड किए हुए हैं तो शॉर्ट टर्म, और अगर दो साल से ज़्यादा तक हेल्ड किए हैं तो लॉन्ग टर्म। थर्ड, अगर इनके अलावा कोई और एसेट है तो तीन साल से कम हेल्ड की है तो शॉर्ट टर्म, एंड तीन साल से ज़्यादा हेल्ड की है तो लॉन्ग टर्म मानी जाएगी। अब जान लेते हैं कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे किया जाता है। पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से ट्रांसफर के लिए जो एक्सपेंसेस लगते हैं उन्हें लेस किया जाता है, जिससे नेट कंसिडरेशन मिल जाता है। फिर नेट कंसिडरेशन में से एक्विजिशन की कॉस्ट लेस की जाती है, एंड अगर कोई इंप्रूवमेंट करवाई है तो इंप्रूवमेंट की कॉस्ट लेस की जाती है, जिससे कैपिटल गेन मिल जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन किया जाता है, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की आज की वैल्यू निकाली जाती है, जिससे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहते हैं। एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए इसकी बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच एसेट वॉज हेल्ड बाय द एसएससी और फॉर द ईयर ऑफ 2001 एंड 2 विच एवर इज लेटर। मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को जिस ईयर में एसेट ट्रांसफर की है उस ईयर के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड जिस ईयर में एसेट एक्वायर की है या 2001 एंड 2 जो भी बाद में था उस ईयर के कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन से डिवाइड करेंगे, जिससे एसेट की आज की वैल्यू आ जाएगी। आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इंटरनेट पे मिल जाएगा। ऐसे ही इंप्रूवमेंट की कॉस्ट को भी इंडेक्स कर लेंगे, जिससे इंप्रूवमेंट की आज की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशंस की, सेक्शन 54। इस सेक्शन के एग्जम्पशन सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ले सकते हैं। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर होने वाला कैपिटल गेन अगर दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो उस कैपिटल गेन पर एग्जम्पशन मिल जाती है। ये गेन लॉन्ग टर्म होना चाहिए, एंड न्यू प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के एक साल पहले या ट्रांसफर करने के दो साल बाद तक परचेज कर ली जानी चाहिए। और अगर न्यू प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी हो तो उसी कंस्ट्रक्शन ट्रांसफर से तीन साल तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है तो एसएससी 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 54B, ये सेक्शन भी सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल होता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर करने पर होने वाला कैपिटल गेन अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड लेने में इन्वेस्ट किया जाता है तो उस कैपिटल गेन पर एग्जम्पशन मिल जाती है। ट्रांसफर करने वाली लैंड ट्रांसफर करने से दो साल पहले तक एसएससी या उसके पेरेंट्स एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे होने चाहिए। न्यू रूरल एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर के 2 ईयर्स तक ले ली जानी चाहिए। दोनों सेक्शन में एग्जम्पशन कैपिटल गेन या न्यू एसेट की कॉस्ट दोनों में से जो कम होगा उतने अमाउंट की ही मिलेगी। अगर न्यू एसेट परचेज के 3 साल के अंदर ट्रांसफर कर दी तो न्यू एसेट की कॉस्ट में से एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन लेस हो जाएगा। मतलब न्यू एसेट की कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन में से जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस होगा उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से जो कैपिटल गेन की एग्जम्पशन पहले ली थी उसे लेस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 54EC, ये सेक्शन सब पे एप्लीकेबल होता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग लैंड या बिल्डिंग या दोनों को ट्रांसफर करने वाला कैपिटल गेन अगर कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाए तो उस कैपिटल गेन पर एग्जम्पशन मिल जाती है। कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड्स हैं जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI,
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस सेक्शन में सिर्फ 50 लाख तक की एग्जेम्पशन अलाउड होती है एंड इन बॉन्ड्स का रिडम्पशन पीरियड 5 साल का होता है। एग्जेम्पशन तब ही अलाउड होगी अगर इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर के 6 मंथ में कर दी हो। एग्जेम्पशन कैपिटल गेन या न्यू एसेट की कॉस्ट दोनों में से जो कम होगा उतने अमाउंट की मिलेगी। अगर बॉन्ड्स एक्विजिशन के 5 साल के अंदर ट्रांसफर कर दिए हों या मनी में कन्वर्ट कर दिए हों तो एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन ट्रांसफर के ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 54F। ये सेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को एप्लीकेबल होता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी एसेट को ट्रांसफर करने पर होने वाला कैपिटल गेन अगर रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट किया जाए तो उस कैपिटल गेन पर एग्जेम्प्शन मिल जाती है। एग्जेम्प्ट अमाउंट कैलकुलेट कैसे होगा अब ये जान लेते हैं। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट मल्टीप्लाई बाय कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन। ये गेन लॉन्ग टर्म होना चाहिए एंड न्यू प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के 1 साल पहले या ट्रांसफर करने से 2 साल बाद तक परचेज कर ली जानी चाहिए। और अगर न्यू प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी हो तो उसकी कंस्ट्रक्शन ट्रांसफर से 3 साल तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर न्यू एसेट परचेज के 3 साल के अंदर ट्रांसफर कर दी तो एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन ट्रांसफर के ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा एंड इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। एसएससी के पास ट्रांसफर की डेट वाले दिन 1 से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं टैक्स रेट्स की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट 20% लगता है एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होता है। अब हम स्टॉक्स पर कैपिटल गेन कैसे चार्ज होता है उसके बारे में बात करते हैं। सेक्शन 112A। ये सेक्शन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के ट्रांसफर करने पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लगता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग 1 लाख से ज़्यादा के कैपिटल गेन पर 10% टैक्स लगता है। बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं एंड वो कंडीशंस हैं, इक्विटी शेयर के एक्विजिशन एंड ट्रांसफर पर STT पेड किया होना चाहिए एंड इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स एंड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के ट्रांसफर पर STT पेड किया होना चाहिए। सेक्शन 112A में से होने वाले कैपिटल गेन में से चैप्टर 6 की डिडक्शन अलाउड नहीं होती है। डिडक्शंस के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। इस सेक्शन में होने वाले कैपिटल गेन में से सेक्शन 87A की रिबेट भी अलाउड नहीं होती। इसके बाद है सेक्शन 111A। ये सेक्शन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के ट्रांसफर करने पर होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर लगता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये एसेट ट्रांसफर करने पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर 50% टैक्स चार्ज होता है। अब कैपिटल गेन की टैक्स कैलकुलेशन को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मिस्टर एक्स ने 2001 और 2002 में एक हाउस 25 लाख में लिया एंड 2011 और 2012 में उस हाउस पर 10 लाख की इंप्रूवमेंट करवाई एंड 2020 और 2021 में ये हाउस 100 लाख में मिस्टर वाई को सेल कर दिया। तो यहाँ मिस्टर एक्स को इस हाउस को होल्ड किए हुए 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। एंड कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा ये देखते हैं। पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे 100 लाख, जिसमें से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर देंगे जो कैलकुलेट होगी 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 301 डिवाइड बाय 100, जिससे आ जाएगा 75.25 लाख। अब इसमें से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करेंगे जो कैलकुलेट होगा 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 301 डिवाइड बाय 184, जिससे आ जाएगा 16.36 लाख, जिससे हमें मिल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8.39 लाख, जिसपे 20% टैक्स लगेगा। दोस्तों अगर आप इस टॉपिक को इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं basicgyan.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली इस वीडियो में हमने कैपिटल गेन को डिटेल में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 5th हेड की, जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।